नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल वर्जन इंग्लिश गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी में लिख के बताऊंगा अर्थ, ताकि आपको दिमाग में अच्छी तरह से छप जाए और लंबे समय तक याद रहे। साथ ही साथ मैं इसमें यूज करूंगा जो भी इसमें टेंस का प्रयोग किया गया है वो टेंस बताऊंगा, जो भी इसमें ग्रामर का यूज हुआ है उस ग्रामर के बारे में बताऊंगा, और इसमें ऐसे बहुत सारे क्रिया हैं जिसको लोग भरू बोलते हैं, क्योंकि उसका जो फॉर्म होता है ना वो अलग अलग फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5, आप तो सभी जानते हैं। उन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करता जाऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना समझ में आ जाए। ठीक है, ये वीडियो केवल ट्रांसलेशन की नहीं, इसमें क्या है स्पोकन को भी मैं इसमें कवर करूँगा, क्योंकि ऐसे इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि क्या होते हैं बोलने चलने, जिसको लोग बोलते हैं स्पोकन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आई एम विकास पाल। देखिए आई मीन्स क्या होता है, मैं, इसे पहले बता देता हूँ, ये हेडिंग। माई मीन्स होता है मेरा, डेली मीन्स होता है जीवन या दैनिक, और लाइफ मीन्स होता है जीवन। ठीक है, यानी मेरा दैनिक जीवन, यानी जो मेरा दैनिक जीवन है, ये कौन बता रहा है, विकास पाल क्या करता है, अपने दैनिक जीवन के बारे में बताया गया है विकास पाल को रेफरेंस लेके। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें क्या करता है। आई मीन्स होता है मैं, और एम मतलब होता है हूँ। ठीक है, मैं हूँ विकास पाल। ठीक, विकास पाल। ठीक है, मैं हूँ विकास पाल, मैं विकास पाल हूँ, या फिर मेरा नाम विकास पाल है, ये भी यहाँ पे बोला जा सकता है। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं हूँ एक स्टूडेंट, मीन्स क्या होता है विद्यार्थी। ठीक है, मैं हूँ एक विद्यार्थी ऑफ इसके या फिर का क्लास 10, मतलब क्या हुआ कक्षा 10। ठीक है, मैं कक्षा 10वीं का क्या हूँ, एक मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, और एंड मीन्स होता है और आई मीन्स मैं हैव ए डेली रूटीन, है मतलब पास। ठीक है, ए मीन्स होता है एक, डेली रूटीन क्या होता है दैनिक जीवन, दैनिक जीवन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मेरे पास एक दैनिक जीवन का क्या है, डेली रूटीन क्या है, मेरे पास एक दैनिक जीवन का क्या है रूटीन है, यानी मेरे पास दिनचर्या है। ठीक है, दैनिक डेली रूटीन में क्या होता है दैनिक जीवन, इसको हम बोलते हैं दिनचर्या या फिर दैनिक जीवन। ठीक है, जो दैट मीन्स यहाँ क्या होता है, जो होता है या फिर उसका। ठीक है, यहाँ पे आई मीन्स होता है मैं, फॉलो मीन्स होता है पालन करना। ठीक है, जो मैं पालन करता हूँ। ठीक है, आई फॉलो मीन्स क्या होता है, मैं पालन करता हूँ। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, आई फॉलो लिखा है ना, ये क्या है, आई हो गया ये सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है, फॉलो आ गया, ये फॉलो क्या है वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब क्या है, इसमें ऐसे यस नहीं लगा, और साथ साथ यहाँ पे क्या है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है वर्ब का पहला रूप है। ठीक है, इसलिए क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं पालन करता हूँ। ठीक है, फ्रॉम मतलब होता है से, वेरी मतलब क्या होता है, वेरी मॉर्निंग मतलब क्या होता है सुबह। ठीक है, वेरी मॉर्निंग मीन्स क्या होता है सुबह से। ठीक है, सुबह से टू यानी कब तक, टिल मतलब होता है तक। ठीक है, माई मीन्स होता है मेरा, स्लीपिंग मतलब होता है सोने। अब यहाँ से देखिए, मैं इसका मतलब मैं उसका पालन करता हूँ, जो पालन करता हूँ, या फिर मैं उसका पालन करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, आई गेट अप अर्ली, मैं गेट अप मतलब होता है जग जाना या फिर उठ जाना, उठ जाता हूँ। ठीक है, मैं उठ जाता हूँ, अर्ली मतलब क्या होता है जल्दी। ठीक है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, इन मीन्स होता है मैं, द मॉर्निंग मतलब क्या होता है सुबह, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है, आगे है ब्रश माई टीथ, ब्रश माई टीथ मतलब होता है क्या, टीथ मतलब होता है दांते। ठीक है, माइनस क्या था अपना। ठीक है, अपना दांते ब्रश मतलब क्या धोता हूँ। ठीक है, अपने दांते साफ करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ब्रश माई टीथ का मतलब होता है अपने दांत साफ करता हूँ, और
वॉश मीन्स होता है धोना, ठीक है। माय मीन्स क्या था, मेरा या फिर अपना, ठीक है। हैंड्स मीन्स क्या था, हाथ, ठीक है, अपना हाथ धोता हूँ। एंड फेस मतलब और चेहरा, और फेस मीन्स क्या होता है, मुँह या फिर चेहरा, मैं अपना हाथ मुँह धोता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद, आफ्टर दैट का मतलब होता है इसके बाद, इसके बाद, ठीक है। इसके बाद आई परफॉर्म मतलब मैं, परफॉर्मेंस होता है करना, ठीक है, करना या फिर पालन करना, निभाना, ठीक है, या फिर कुछ एक्टिविटी करना को हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्म, ठीक है। मैं परफॉर्म यानी मैं परफॉर्म करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ क्यों बोला, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का पहला रूप है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। मैं परफॉर्म करता हूँ फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब क्या होता है बताइए तो, शारीरिक व्यायाम, ठीक है, शारीरिक व्यायाम, वो व्यायाम, ठीक है। मैं शारीरिक व्यायाम करता हूँ इन ओपन एयर फॉर सम टाइम, ठीक है। ओपन मीन्स क्या होता है, इन मीन्स होता है मैं, ओपन मीन्स होता है खुली, ठीक है। एयर मीन्स होता है हवा, फॉर मतलब होता है के लिए, सम टाइम मतलब होता है कुछ देर, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं शारीरिक व्यायाम करता हूँ, ठीक है, यानी खुली हवा में, खुली हवा में, ठीक है, खुली हवा में कुछ देर के लिए, ठीक है, कुछ देर के लिए खुली हवा में मैं शारीरिक व्यायाम करता हूँ, इसका अर्थ क्या होता है, यही होता है। अब आगे देखिए, हैंड मीन्स होता है और, देन मतलब होता है फिर, हैव रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना, आराम करना, ठीक है, आराम करते हैं, ठीक है। फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब क्या, आधे घंटे, आधे घंटे, ठीक है। हाफ एन आवर का अर्थ होता है आधे घंटे, ठीक है, आधे घंटे के लिए, ठीक है, आधे घंटे के लिए आराम लेता हूँ, ठीक है, या फिर आराम करता हूँ, या फिर हाँ वही हुआ, आराम करता हूँ, ठीक है। देन मतलब होता है फिर, देखो भाई इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, कम से कम एक लाइक तो कर दो यार, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें सब्सक्राइब करने में, कर लो यार, ठीक है। फिर आई टेक मतलब क्या होता है, मैं टेक माई ब्रेकफास्ट मतलब क्या लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने कहा लेता हूँ, आई टेक ये सब्जेक्ट है, ये क्या वर्ब है, वर्ब का पहला रूप है, इसलिए आई टेक मतलब क्या, मैं लेता हूँ, ठीक है। माई मत क्या, अपना, माई मीन्स होता है अपना, ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता, ठीक है, मैं अपना नाश्ता लेता हूँ। और सीट डाउन मतलब होता है बैठ जाना, बैठता हूँ, बैठ जाना, ठीक है, सीट डाउन पे बैठ जाना, बैठ जाता हूँ। टू रीड मतलब पढ़ने, ठीक है, यानी नाश्ते के बाद मैं क्या करता हूँ, ना पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, ठीक है। इट्स कंटिन्यू मतलब यह कंटिन्यू का मतलब होता है चलना या फिर जारी रहना, ठीक है, या चलता है या फिर जारी रहता है। अप टू नाइन, अप टू मतलब होता है तक, नाइन ओ क्लॉक, नाइन ए मतलब क्या होता है, नौ बजे तक, मतलब यह चलता है या नौ बजे तक चलता है, ठीक है। आफ्टर दैट मतलब इसके बाद, इसके बाद आई टेक बाथ, मैं टेक बाथ मतलब होता है स्नान करना, स्नान करना, ठीक है। आई टेक बाथ का अर्थ क्या होता है, स्नान करना, ठीक है। हैव माय मील और क्या होता है, नाश्ता करना या फिर मील क्या होता है, भोजन अपना भोजन लेना या फिर अपना भोजन नाश्ता करना, ठीक है, करता है। एंड मीन्स होता है और, गेट रेडी मतलब क्या, तैयार हो जाना, तैयार होना, ठीक है। फॉर मीन्स होता है के लिए, माय मीन्स होता है अपने, ठीक है, अपने स्कूल के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। स्कूल मीन्स क्या होते हैं, विद्यालय,
ठीक है, अपने स्कूल के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। आगे है आफ्टर मतलब होता है के बाद, ठीक है। स्कूल आवर क्या होता है, विद्यालय का समय, यानी जो विद्यालय में, जो विद्यालय कब लगता है, 9:30 से लेके 4, विद्यालय के समय कितना था, 9:30 से लेकर सुबह शाम 4 बजे तक, ठीक है। उसी को समय को बोलते हैं विद्यालय का समय, ठीक है। यानी विद्यालय के समय के बाद, ठीक है, आई कम बैक होम, मैं कम बैक मतलब होता है वापस आना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं वापस आता हूँ घर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई कम मतलब क्या था, मैं आता हूँ, बैक मतलब क्या था, वापस, ठीक है, होम घर। टेक रेस्ट आराम करना, आराम करता हूँ, फॉर सम टाइम मतलब होता है कुछ देर, ठीक है, कुछ देर के लिए आराम करता हूँ। वॉश माय फेस धोता हूँ, अपना चेहरा, ठीक है, धोता हूँ क्या, अपना चेहरा, हैंड मीन्स होता है हाथ, हाथों को, एंड क्या होता है, और टांगों को या फिर पैरों को, ठीक है, और क्या करता हूँ, अपना चेहरा और फेस, यानी है चेहरा जिसको मुंह बोलते हैं, मुंह हाथ और पैर क्या करता है, धोता हूँ। देन और क्या होता है, फिर आई टेक मतलब मैं लेता हूँ, यहाँ भी क्या होगा, आई टेक मीन्स क्या होगा, मैं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या भर्ब का पहला रूप है, इसलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ। ये कौन सा हो जाएगा टेंस, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, ठीक है। सब मतलब होता है कुछ, टिफिन मतलब क्या है, जो भी आप कुछ खाना खा सकते हैं उसको बोलते हैं टिफिन, ठीक है। मैं कुछ टिफिन लेता हूँ, और गो टू मतलब क्या, चले जाना, ठीक है। प्ले ग्राउंड मतलब क्या होता है, खेल का मैदान, ठीक है, मैं खेल का मैदान चले जाता हूँ। टू प्ले मतलब खेलने के लिए, ठीक है। विथ मतलब के साथ, ठीक है, विथ मतलब होता है के साथ। माय फ्रेंड मतलब अपने दोस्तों के साथ में क्या, खेलने चले जाता हूँ। इन विंटर मतलब क्या था, मैं विंटर मतलब क्या था, ठंडी, यानी ठंडी में आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे आई प्ले मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट हुई, उसके बाद भार का पाला रूप है, इसलिए मैं खेलता हूँ, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट, ठीक है, एंड में होता है और, इन समर यानी गर्मी में, ठीक है, और गर्मी में, ठीक है। आई यूज टू, मैं खेला करता हूँ, प्ले मतलब क्या, यहाँ पे इसका हो जाएगा खेला करता हूँ फुटबॉल, ठीक है, और गर्मियों में क्या करता हूँ, फुटबॉल खेला करता हूँ। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, आई रिच, मैं रिच मतलब क्या था, पहुँचता हूँ, ठीक है। होम मतलब क्या, घर। बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है। इवनिंग यानी शाम, मैं शाम होने से पहले घर पहुंच जाता हूं, इसका अर्थ यही हुआ, ठीक। अगेन मतलब क्या था, फिर, ठीक है। गेटिंग फ्रेश मतलब क्या था, गेटिंग मतलब क्या, तैयार मतलब फ्रेश नहीं कहते, मतलब क्या था, ताज़ा हो जाता है, फिर वह मुँह कान फेस यही सब होता है, ठीक है। फ्रेश मतलब क्या था, साफ सुथरा, ठीक है। मैं फिर क्या करता हूँ, साफ सुथरा होकर तैयार हो जाता हूँ, ठीक है। आई सीट डाउन, मैं बैठ जाता हूँ, सीट मतलब क्या था, बैठना, ठीक है। मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, सीट डाउन मतलब क्या था, बैठ जाता हूँ, ठीक है। टू रीड यानी खेलने पढ़ने, मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। बीच मतलब क्या था, के साथ। माई प्राइवेट मतलब क्या था, मेरा निजी, ठीक है, मेरा निजी। ट्यूटर में होता है शिक्षक, ठीक है। मैं अपने प्राइवेट शिक्षक
जो ट्यूशन जो पढ़ाने आते हैं उसी को बोलते हैं ट्यूटर। ठीक है, अपने मैं अपने प्राइवेट टीचर के साथ क्या आता है पढ़ने बैठ जाता हूँ। ही मतलब क्या होता हुआ, लीव मतलब होते हैं छोड़ते हैं। अब यहाँ भी मैंने कहा छोड़ते हैं, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या है वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है। इसके साथ क्या है, ऐसे यस लगाया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस होगा, ठीक है। मुझे, ठीक है, वह मुझे छोड़ते हैं, ऐट मतलब होता है समय को, समय से पहले ऐट का यूज करते हैं, अबाउट मीन्स होता है लगभग, ठीक है, 9 बजे, ठीक है, यानी वह मुझे लगभग 9 बजे छोड़ते हैं या फिर छुट्टी देते हैं, ठीक है। एट 9:30 यानी 9:30 बजे, आई टेक मैं लेता हूँ माई सफ़र, मतलब क्या होता है अपना सफ़र, मीन्स होता है रात का खाना, ठीक है, मैं रात का खाना लेता हूँ, एंड और गो मीन्स क्या, चले जाना, चले जाता हूँ टू बेड, मतलब क्या था बिस्तर में, ठीक है, एट 10 बजे, ठीक है, मैं 10 बजे बिस्तर में चले जाता हूँ। दिस रूटीन यानी यह दिनचर्या, यह दिनचर्या चेंज मतलब क्या था बदल जाता है, यह दिनचर्या बदल, इन मीन्स होता है हमने संडे में क्या रविवार, और अदर डे में क्या होता है अन्य छुट्टियों को, ठीक है, यह दिनचर्या रविवार और अन्य छुट्टियों को क्या करता है बदल जाता है, ठीक है। वन ऑफ देम मतलब उन दिनों, ठीक है, ऑन दिस डे मतलब होता है उन दिनों, यानी जो कौन सा दिन, अब देखिए आप स्वाभाविक बात है आप लोग भी छुट्टी के दिन भी संडे का जो वीक ऑफ जो होता है आप उस समय तो स्वाभाविक बात नहीं पढ़ते होंगे, आप लोग खेलने या फिर घर का काम करने में व्यस्त रहते होंगे, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो संडे और जो अन्य छुट्टियाँ हैं उसमें क्या करता है, ये रूटीन बदल जाता है, ठीक है, उन दिनों। अब जो छुट्टी का दिन है उन दिनों क्या करता है, आई इन्जॉय मतलब क्या था मैं, इन्जॉय मतलब क्या था आनंद उठाना, ठीक, आनंद करता हूँ या फिर आनंद उठाता हूँ, क्या क्या मतलब क्या था खेलों का, ठीक है, खेलों का आनंद उठाता हूँ, और हेल्प मतलब क्या था मदद करता हूँ माय पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता, अपने माता पिता का, इन मतलब होता है मैं, ठीक है, समझ सकते कुछ, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, ठीक है, वर्किंग होता है कार्यों को, यानी कुछ घरेलू कार्यों में क्या करता है मदद करता हूँ अपने माता पिता को, ठीक है। दूज मतलब होता है इसी प्रकार, इसी तरह, आई स्पेंड मतलब मैं बिताता था, अब यहाँ पर मैंने कहा बिताता था, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या क्या बिताता था, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है स्पेंड क्या है मैं बिताया करता था, चलिए इसमें मैं आपको भारत में जो अभी जो पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा, ठीक है, मैं यानी अपना, ठीक है, डे यानी दिन, इसी प्रकार मैं अपना दिन बिताया करता था सिंस लास्ट ईयर फ्यू ईयर यानी कुछ कुछ लास्ट मतलब क्या था पिछले क्या फ्यू मतलब था कुछ सालों से, ठीक है। आई हैव टू फॉलो मैं फॉलो मतलब क्या था उसके पास जो मतलब वो था, ठीक है, वो क्या करता था, ठीक है, टू मतलब क्या था पालन, ठीक है, माय रूटीन अपना दिनचर्या, ठीक है, दिनचर्या पालन किया करता था स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है कड़ाई से या फिर कड़ाई से या फिर कह सकते हैं इसको हम लोग कठोरता से, ठीक है, यानी उसका जो दिनचर्या था वो क्या करते थे कठोरता से पालन किया करता था या फिर अन्यथा अदरवाइज में क्या था अन्यथा आई विल मैं यहाँ पे क्या गागी का सेंस आएगा, ठीक है, वेस्ट मतलब क्या था बर्बाद, अन्यथा मैं बर्बाद
कर देता, ठीक है। माई मीन्स क्या था, मेरा या फिर अपना, ठीक है। वैल्यू वाली मीन्स क्या होता है, बहुमूल्य। समय मीन्स होता है टाइम, टाइम मीन्स होता है समय, ठीक है। मैं अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसी कमेंट में कमेंट करके भेजिएगा कि आप लोग का रूटीन क्या है, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। चलिए इस वीडियो में ये थे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।